हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 10.4 वेक्टर्स की, जिसके अंदर क्वेश्चंस हम करेंगे रिलेटेड टू द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालो अगर ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। नाउ ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालने के लिए जरूरी है कि हमारे पास ए क्रॉस बी हो, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। अब ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब इसको हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स की मदद से, आई कैप जे कैप जे कैप अपॉन में, नाउ पहले कोफिशिएंट्स ए वेक्टर के विच इज 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे इसको डिटर्मिनेंट के हिसाब से, जैसे आई कैप इनटू, अब इस लाइन को छुपा दो, इस कॉलम को छुपा दो, तो ये आ जाएगा माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस 7 टू द 14 माइनस जे कैप। ठीक है, प्लस माइनस प्लस और माइनस जे कैप इंटू, ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, 1 टू द 2 माइनस 3 7 द 21 प्लस के कैप, अब के कैप वाली रो खत्म, के कैप वाला कॉलम खत्म, और ये जब ये खत्म हो गया 1 टू द 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 3 7 द 21। ठीक है, तो ये आ गया आई कैप इंटू 0 माइनस माइनस द प्लस 21 में से 2 गए 19 माइनस 19 इंटू माइनस 19 इज प्लस 19 जे कैप और 21 माइनस 2 फिर 19 प्लस 19 के कैप। ठीक है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो है ये आ गया 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, और हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मॉडुलस। इट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा जी आपका 19 रूट 2, ये आ गया ए क्रॉस बी का मॉडुलस 19 रूट 2। अब अगला कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर ए एंड बी आर गिवन। तो हम क्या करें, सबसे पहले इन दोनों को निकाल लें भाई। लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस 1 4 आई कैप प्लस 2 प्लस 2 4 जे कैप और प्लस 2 माइनस 2 इज 0 आई के कैप, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए में से बी कम करना है। नाउ 3 माइनस 1 इज 2 आई कैप, 2 माइनस 2 इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, और 2 माइनस माइनस 2 मीन्स 2 प्लस 2 यानी कि 4 के कैप। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें ये पता है कि अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज गिवन बाय सी क्रॉस डी अपॉन में सी क्रॉस डी का मॉडुलस। ठीक है जी, तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा, फिर सी क्रॉस डी का मॉडुलस निकालना पड़ेगा, देन वी विल गेट दिस। तो ये आ गया, हम सबसे पहला काम करते हैं सी क्रॉस डी निकालते हैं, जो कि हमने अभी निकालना था जैसे डिटर्मिनेंट्स की मदद से, तो आई कैप जे कैप के कैप। अब सी क्रॉस डी है तो पहले सी के कोफिशिएंट्स, और वो हो गया 4 आई कैप है तो 4 आई कैप के नीचे, 4 जे कैप है तो जे के नीचे 4, और के वाली टर्म है ही नहीं तो 0। ऐसे ही अब नीचे डी वाला, तो 4 2 आई कैप 2, उसके बाद जे कैप वाली टर्म ही नहीं है इसमें तो वो 0, और के कैप 4 के कैप है तो इसके नीचे 4। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका आई कैप, पहले आई कैप ना, आई वाली रो और आई वाले कॉलम दोनों को
वो कर दिया तो ये आ गया 4 4 16 माइनस 0 माइनस जे कैप, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 4 4 16 माइनस 2 0 0 और प्लस के कैप, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 4 0 0 माइनस 4 2 8, तो ये बन गया आपका 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। ये था हमारा सी क्रॉस बी, और अब हमें निकालना है सी क्रॉस डी का मॉडुलस, ठीक है जी। तो वो क्या होगा, 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होल अंडर द रूट, यानी कि 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 256 प्लस 64 होल अंडर द रूट। तो 256 256 और 64 इनका टोटल हो गया 6 और 6 12 और 4 16 10 और 6 16 और 1 17 और 576, ये हो गया 576 का रूट विच इज इक्वल टू 24। तो इसलिए अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज गिवन बाय सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉडुलस, यानी कि क्या हो गया, ये पहले सी क्रॉस डी वेक्टर जो कि है ये 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन में इसका मॉडुलस विच इज 24, तो ये बन जाएगा जी आपका 16 अपॉन में 24 आई कैप माइनस 16 अपॉन में 24 जे कैप माइनस 8 अपॉन में 24 के कैप। तो इसको अगर हम कट करें तो ये हो जाएगा 8 3 8 2 16, तो 2/3 आई कैप, ऐसे ही ये 2/3 माइनस 2/3 जे कैप और ये 1/3 माइनस 1/3 के कैप। तो ये हो गया हमारा आंसर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी।